उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब फेफड़े के प्रत्यारोपण की शुरुआत होने जा रही है। सरकार के प्रयासों से किफायती विश्व स्तरीय सफल कार्यक्रम शुरू करने के लिए समाजसेवी संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सिंह ने यह जानकारी दी है। बता दें कि फेफड़े की बीमारियों के कारण मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत फेफड़े की बीमारी के चलते हो रही है। जा सके और बीमारी अगर बढ़ जाती है किसी मरीज में तो उसका समाधान संभव है। इस तरीके से जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट आदि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही एंड स्टेज डिजीज का एक बहुत ही कारगर इलाज है जो कि इस देश में भी उपलब्ध है। सर, युवाओं में आजकल देखा जा रहा है ज्यादा ये सब आ रहा है, कहते हैं इससे बचने के युवा क्या? यही है कि स्मोकिंग को बंद करना है, पॉल्यूशन को कम मतलब रोकना है किसी भी तरीके से, और बीमारियों के लक्षण को पहचानना है, उसका सही ढंग से उसका जांच कराना है और आगे उसका ठीक से इलाज किया जाए।